चैनल एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। तो गाइस जरा आप देख सकते हो अभी मैं हूं मीठापुर गया लाइन आरओबी के ऊपर। और गाइस आज की इस वीडियो में आपको आगे मीठापुर करवैया वाले फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है उसके बारे में कुछ अपडेट दिखाने वाला हूं। और गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि आई थिंक ये पटना का या बिहार का कह लीजिए अब तक का सबसे स्लोएस्ट फ्लाईओवर है जिसका काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और अभी तक जो ये काम है कम्प्लीट नहीं हो पाया है। वैसे आपको मैंने इस पर कई सारी वीडियो बना के दिखाया था और आपको याद ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फेज़ में आपको इस फ्लाईओवर के दोनों साइड एक इसका लेन कनेक्ट होना है। तो आप देख सकते हैं इसके लिए यहाँ पर जो पिलर तैयार किए जाने थे उसका काम काफ़ी पहले से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया और मैंने इसके बारे में भी आपको कई बार दिखा रखा है। आप देख सकते हैं दोनों साइड आपको ये पिलर जो है वो यहाँ से लेकर आगे इस फ्लाईओवर के एंड तक देखने को मिलेगा जहाँ पर मीठापुर करवैया गोलम्बर तैयार किया जाना है। और गाइस इस तरफ में अगर आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं नीचे भी आपको पिलर के जो बेस हैं वो तैयार होते हुए देखने को मिलेंगे और यही यहाँ आकर सामने इस जगह पर कनेक्ट होने वाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और तो गाइज ये हो गया इस फ्लाईओवर के इस साइड वाला लेन जो कि इस तरफ वाले फ्लाईओवर से जाकर कनेक्ट होने वाला है। वहीं गाइज बात कर उस साइड वाले लेन की तो आपको मैं बता दूं कि वो लेन जो है वो आपको इधर आगे गया लाइन आरओबी से जाकर कनेक्ट होने वाला है। और बात करूँ उसके चल रहे काम की तो नीचे पाइलिंग का काम कंप्लीट हो गया है लगभग। तो आइए पहले मैं आपको सामने जो गोलम्बर तैयार किए जा रहे हैं उसका क्या कुछ अपडेट है, काम वहाँ आगे बढ़ा भी है या नहीं वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फिर मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या कुछ काम चल रहा है। तो गाइस लीजिए अभी हम आ चुके हैं इस मीठापुर करवैया वाले गोलम्बर के पास और सामने आप देख सकते हैं इसी जगह पर वो जो गोलम्बर तैयार किया जाना है वो आपको यहाँ तैयार होता हुआ देखने को तो मिलेगा। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आई थिंक बिहार का अब तक का सबसे लंबा प्रोजेक्ट है जिसका काम अभी तक चल रहा है और आई थिंक अभी दो तीन साल अभी आपको और ये काम होता हुआ देखने को मिलने वाला है। वैसे अगर बात करूं यहाँ चल रहे काम की तो आप देख सकते हैं इसी जगह पर गोलम्बर को तैयार किया जाना है और इधर आप देख सकते हैं जो फ्लाईओवर है ये आपको मीठापुर ओल्ड बस स्टैंड से होता हुआ यहाँ तक लेकर आएगा और इसके बाद से फेज टू में जो काम है वो आपको यहाँ से आगे यानी चिड़िया टाटपुर वाले फ्लाईओवर के ऊपर से होता हुआ क्रॉस करेगा। बात करूँ अगर इस साइड की तो जैसा कि मैंने आपको अपने कई सारी वीडियो में बता रखा है कि फर्स्ट फेज में आपको ये मीठापुर करवैया वाले फ्लाईओवर इस पुराने वाले फ्लाईओवर से आकर कनेक्ट होने वाले हैं जिसके दोनों साइड एक एक लेन जाकर आगे गया लाइन आरओबी से कनेक्ट होने वाला है। तो गाइज उसके लिए ही यहाँ पर फिलहाल अभी काम चल रहा है और आप देख सकते हैं इसके लिए पिलर जो है वो यहाँ से लेकर आगे तक कंप्लीट कर लिए गए हैं और अभी इधर पिलर के ढलाई का काम किया जाना बाकी है। वहीं बात करूँ अगर उस साइड की तो उधर जो पाइलिंग का काम है वो आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आइए मैं आपको उस साइड लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि उधर क्या कुछ काम चल रहा है। और गाइज यहाँ मैं आपको बता दूं कि करीब 8 से 9 सालों से अधिक का समय बीत चुका है बट अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके फर्स्ट फेज का काम भी पूरा नहीं हो पाया है और आप देख भी सकते हैं इसी जगह पर गोलम्बर बनाए जाने हैं जो कि कछुए की चाल से भी काफ़ी ज़्यादा धीमे चल रही है। वहीं इधर मीठापुर ओल्ड बस स्टैंड की तरफ ये जो काम है वो काफ़ी पहले से ही कम्प्लीट है और अब इस फ्लाईओवर का काम यहाँ से आगे यानी इधर इस वाले फ्लाईओवर के दोनों साइड एक एक लेन को तैयार करने का है। और गाइज यहाँ मैं आपको इस प्रोजेक्ट के डिले होने का कारण अगर बताऊँ तो कभी फंड के नहीं मिल पाने के कारण तो कभी जमीन अधिग्रहण को लेकर फिर इसके डिजाइन में जो चेंजेस किए गए उसके कारण भी ये प्रोजेक्ट डिले हुआ और इसका एक कारण आप सरकार के बार बार चेंज होने को भी बोल सकते हैं। गाइस आइए मैं आपको दिखाता हूं कि अभी इधर क्या कुछ काम चल रहा है फ्लाईओवर के इस साइड। और आप देख सकते हैं एक लेन आपको इस वाले पिलर से होता हुआ यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी जो कि आगे जाकर सीधे मीठापुर गया लाइन आरओबी से कनेक्ट होने वाला है। तो नीचे क्या कुछ काम चल रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे गाइज अब तो देखना है कि इस साल तक इसके फर्स्ट फेज का जो काम है वो कंप्लीट हो पाता भी है या नहीं। वैसे काम अभी भी सही ढंग से चले तो आई थिंक 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इसके फर्स्ट फेज को कंप्लीट कर लिया जाएगा। बाकी बात करूँ अगर इधर चल रहे काम की आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पाइलिंग का काम है वो आपको इधर होता हुआ देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर कई सारे जो पाइलिंग का काम है वो लगभग कम्प्लीट है और बहुत जल्द यहाँ पर पिलर आपको खड़ा हुआ देखने को मिलने वाला है। तो सामने आप देख सकते हैं उस जगह पर पाइलिंग का काम चल रहा था तो आइए मैं आपको थोड़ा और आगे से इसके चल रहे काम को दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं इसी जगह पर पाइलिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है
और यहाँ पर बहुत जल्द आपको जो पिलर हैं उसके स्ट्रक्चर तैयार होते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि सामने उस जगह से होता हुआ यहाँ तक आएगा। और कई सारे पिलर जैसा कि अभी आपने उस साइड देखा है, ठीक उसी तरह से पिलर इस साइड भी यहाँ तैयार होना है। और एक पिलर आपको सामने वहाँ पर तैयार भी देखने को मिल रहा होगा। तो गाइज़ अभी तक फिलहाल इसके काम जो हैं वो अभी आपको बहुत ज़्यादा आगे तक देखने को नहीं मिलने वाले हैं। आप देख ही सकते हैं पिछले बार ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पाइलिंग का काम चल रहा था, और अभी तक पाइलिंग के बाद का काम जो है यानी पिलर के स्ट्रक्चर जो खड़े किए जाने हैं वो आपको इधर देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि सिर्फ वही एक पिलर है जो काफ़ी टाइम से कम्प्लीट है, और अभी तक आपको इसके अलावा इधर कोई भी पिलर या कोई भी काम आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। और गाइज ये रहा वो पिलर जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, यानी इसके अलावा आपको इधर कोई भी काम देखने को नहीं मिलने वाला। और आई थिंक आपको काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा इस मीठापुर करवैया वाले फ्लाईओवर के कनेक्टिविटी को देखने के लिए। तो गाइज फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, ये था यहाँ मीठापुर करवैया फ्लाईओवर के चल रहे काम का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नया है गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पटना और बिहार से जुड़ी ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।